बात अपने पड़ोसी मुल्क भारत की भी कर लें। हम लोग तो डैम्स की बहस से बाहर नहीं निकलते, सूबों की बहस से बाहर नहीं निकलते, बिजली की बहस से बाहर नहीं निकलते। आज मैं सुबह टीवी पर देख रही थी, इंडिया ने खलाई मिशन मंगलयान में कामयाबी हासिल की है। मरीख में के मदार में दाखिल होने वाला पहला ये मुल्क बन गया है। 4.5 अरब डॉलर की लागत का इनका मंसूबा था, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। ये 4.5 बिलियन डॉलर्स नहीं है, क्योंकि हम आपको पता ना, हम आप अरबों खरबों से तो हमारे यहाँ बात ही काम नहीं होती ना, माल जो कमाने होते हैं। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया, मैं भी उसको रीट्वीट भी करूंगा इस शो के बाद। वो कहते हैं कि भारत की जो टोटल कास्ट है ये इस पे मिशन पे वो 4.5 बिलियन रुपीज है। हमारे यहाँ 27 किलोमीटर की यहाँ पे मेट्रो बनती है, 60 अरब रुपए के करीब खर्चा आता है उस पे। जरा नोट फरमाइए, इंडियंस ने यहां से अपने मार्स तक गए हैं सिर्फ 4.5 बिलियन रुपीज तक। हम एक 27 किलोमीटर की बस सर्विस शुरू करते हैं 30 अरब रुपए से काम की नहीं होती। जरा अंदाजा कर लें कहां से शुरू है। अभी मैं उसकी डिटेल पढ़ रहा था इसमें, अभी ये इस पे एक तो 3G का ये बड़ा फायदा हुआ है कि आप बैठे बैठे गूगल कर लेते हैं अपने उस पे। अभी जब ब्रेक में बैठा मैं इसी को देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं कि इंडियन के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बैठ के एक चर्च था उसका उन्होंने छोड़ दिया था, वैसे पड़ा होता अबैंडन चर्च था, उसके करीब इन्होंने बगैर किसी जगह के वहां से लॉन्चिंग पैड पे काम शुरू किया इन्होंने, इंडियंस ने। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट उनके स्पेस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इसको कम से कम लागत में और बड़ा, ये नरेंद्र मोदी ने एक बार इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और बात भी की है, नहीं उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा है ये भारत इंडिया ने, अमेरिकन ने जब इसको शुरू किया था, जो अमेरिकन का स्पेस का था वो 670 मिलियन डॉलर खर्चा आया था अमेरिकन का इसी प्रोग्राम पे, 670 मिलियन डॉलर। इनका सिर्फ और सिर्फ 4.5 बिलियन रुपीज आया है। और उसने कहा है, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि जनाब आप हमारे ऊपर ताने मार रहे हैं, काजी साहब आज होते तो खैर इनके बखिये उखाड़ते और बताते कि इंडिया की गुर्बत कहाँ कड़ी है, दूसरे मसाइल खड़े, काजी साहब आज कहाँ पैसे लगा रहे हैं, आज बच गए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उसने कमेंट किया है ये नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा हमारे ऊपर एतराजात हो रहे हैं कि हमने ज्यादा खर्चा कर दिया, इंडिया में गुर्बत है, बला बला और इश्यूज हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा हॉलीवुड की फिल्म बनी थी ग्रेविटी, जिसको ऑस्कर भी मिले हैं, उसमें वो कहते हैं ग्रेविटी फिल्म बनाने पे 100 मिलियन डॉलर लगे हैं, हमने 74 मिलियन डॉलर में ये पूरा प्लान हमने आके कम्प्लीट किया है। अंदाजा करें, हॉलीवुड की फिल्म बनती है ग्रेविटी, वो 100 मिलियन डॉलर में बनती है, वो कहते हैं हमने सिर्फ 74 मिलियन डॉलर में हमारे साइंटिस्ट ने किया है। हमारे लिए ये सीखने की बातें हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारे उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा ब्रेन है, जहीन लोग बैठे हुए हैं, जहीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे पहले नाकाबिल यकीन काम किए हुए हैं। बात वही है कि हमारा पोलिटिकल कोई हमारा लीडर जो है वो माल कमाने से, मेट्रो बसेस ट्रेनें कमाने से, कोई माल पानी कमाने से कोई इनको फुर्सत मिले तो कौम को जरा इस तरफ लेके जाएं, कोई यूथ को इस तरफ लेके जाएं, कोई इंडिया के साथ मुकाबला करें, स्पेस में करें, टेक्नोलॉजी में करें, आईटी में करें, कुछ और अच्छे अच्छे काम है उनके साथ करें। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ी सीखने की चीज है। बहरहाल भारत को, हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साइंटिस्ट को, उनको लोगों को, तो मेरा ख्याल हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड का कोई मुल्क है उन्होंने बैठ के कम्पीट किया है और इतना काम कर रहा है।